हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर एक नए व्लॉग में। सो गाइस, आज ना मेरी एक दिन की छुट्टी मिलने वाली है कल के दिन, क्योंकि यार कल ना मेरी एक एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी। तो यार ऑलरेडी मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन यार फिर भी दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ। तो यार कल एग्ज़ाम है, वो भी मेरे गाँव में, मेरे गाँव से भी और 15 किलोमीटर दूर पर है एक एग्ज़ाम। तो यार आज छुट्टी मिलेगी हमको, आज शाम तक हम घर जाएंगे और कल सुबह एग्ज़ाम लिखने जाना है। तो यार मेरा शिफ्ट ख़त्म कर लिया हूँ मैं अभी, तो यार देखते हैं अब दोपहर में भेजते हैं या शाम में भेजते हैं, मुझे कब से छुट्टी मिलती है देखेंगे। मैं तो लेटर लिखकर दे दिया हूँ, तो देखते हैं भाई। सो है व्हाट्सअप गाइस, अभी टाइम बज गए दोपहर के 1 गाइस। तो यार मैं सोचा था कि अभी दोपहर में 1 बजे हमको भेजेंगे, लेकिन नहीं यार, ये लोग फ़ोन करके फिर से बोले कि अभी 1 बजे ड्यूटी है तुम्हारी। तो अब नहीं जानते यार कब भी जाते ये लोग, नहीं जानते। लंच कर लिया हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ, अगर छुट्टी है तो भिजाए तो मैं जाएंगे सोच रहा, लेकिन यार अभी ये लोग भिजाए नहीं मुझे। तो देखते हैं, अभी तो 1 बज रहे हैं, देखते हैं कब तक भिजाते हैं ये लोग हमें। चलो यार मिलते हैं बाद में। और दोस्तों ड्यूटी ख़त्म हो गई और सारे दोस्त मेरे चले गए यार, और ये रही अपनी INS। गाड़ी निकालते हैं और पहले घर चलते हैं यार, घर चलकर कुछ खाते हैं और फिर वहाँ से गाँव चलते हैं। चलो गाइस लेट्स गो। चलो क्या कर ले माँ, मम्मी कुछ आता रे, मम्मी कुछ आता ले, है ना है ना है ना। तो गैस मैं घर जाता हूँ और घर का खाना खाता हूँ और थोड़ी देर मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और वापस मेरे गांव जाने की तैयारी करता हूँ। चोना चोनू बाय माँ, बाय 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 चोनू। गाइस अभी टाइम 5:30 बज रहे हैं और फटाफट खा लिया हूँ मैं, और यार 100 किलोमीटर दूर चलना है और कल सुबह फिर 20 किलोमीटर और जाकर एग्ज़ाम भी लिखना है। तो थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं अभी पहले घर जाके। तो चलो यार चलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, गाड़ी निकाली हमें और हम चले हैं महबूबनगर, मेरे घर। तो गाइस गाड़ी निकाल लिया मैं और मेरे बच्चे से मिल लिया, मेरी बीवी से मिल लिया और एक ग्लास भर के शरबत भी पी लिया ठंडा ठंडा। तो यार अभी टाइम बज रहे हैं 6:30, तो अपन महबूबनगर पहुँचे तक 8:30 बजेंगे। आराम से जाएंगे, भगाएंगे नहीं गाड़ी। तो यार ये ट्रैफिक में ना 1 घंटा लगेगा मुझे यार, 2-2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन यार ये ट्रैफिक में अगर फंस गए 1 घंटा तो 3.5 घंटे भी लग सकते हैं। गैस यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपन हाईवे तक पहुँच जाएंगे और वहाँ से सीधा भगाएंगे अब गाड़ी, सीधा ही सीधा वहाँ से। यार ये ओल्ड सिटी का ट्रैफिक यार, छोटे छोटे गलियाँ, छोटे छोटे बस्तियाँ, इतना ट्रैफिक यार, कम से कम 40 मिनट लगेगा मुझे यहाँ से हाईवे तक। एक बार अगर हाईवे पे चढ़ गए, अपनी हाइनेस हाईवे पे चढ़ गई तो यार 80-90 पकड़ लेंगे स्पीड और सीधा महबूबनगर। तो गाइस दोस्तों ये देखो, हैदराबादी, टिपिकल हैदराबादी ओल्ड सिटी ट्रैफिक यार, वाह भाई वाह। अब लोग काम से, स्कूल से, ऑफिस से घर जाने का टाइम यही है और यही टाइम पे हम निकले और आके फंस गए, ये देखो भाई। गाइस वेलकम टू फेमस टिपिकल हैदराबादी
ओल्ड सिटी ट्रैफिक, बोले तो एकदम चकाचक ट्रैफिक। अरे यार कितना ऑफ रोडिंग कराते हो यार। ऑफ रोडिंग हो गई, वाटर क्रॉसिंग भी हो गया। वाओ मैन, पूरा लद्दाख का एक्सपीरियंस दे दिया ये हैदराबाद के रोडों ने। गाइस आप ये जो रास्ता देख रहे हो, हैदराबाद से बेंगलुरु की तरफ का रास्ता है ये। यार 2 साल से काम चल रहा है इस रास्ते का, 2 साल से, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए यार, फिर भी ये काम पूरा नहीं हुआ। देखो यार कैसी है ये रोड, इसकी हालत देखो यार। अरे बाप रे, इसकी हालत देखो दोस्तों, द ग्रेट हैदराबाद रोड। वाह मैन, अगर एक बार ये हो जाए ना, सीधा इसके ऊपर से सीधा हाईवे पकड़ सकते हैं अपन, मज़ा आ जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चले जा सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, हम पहुंच गए अभी आरामगढ़। ऑल राइट गाइस, हम पहुंच गए आरामगढ़, और आप ये जो सिग्नल देख रहे हो ना, उस सिग्नल के पार हाईवे है गाइस। यार सिग्नल छूटेगी तो यार भागेंगे बस सीधा हाईवे पे यार, अब नहीं होता भाई ये ट्रैफिक में। देखो यार, देखो कितनी लंबी चौड़ी ट्रैफिक है भाई, थक गया मैं पिछले 40-50 मिनट में यार। सिग्नल 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 पड़ गई, भागो भागो भागो। इस पिछले 40-50 मिनट से मैं ऑफ रोडिंग करता जा रहा हूँ, ये ट्रैफिक में फंस गया हूँ यार। फाइनली मुक्ति मिल गई भाई। सो गाइस फाइनली हाईवे पे पहुँच गए हम, चलो यार चलते हैं। यार खुली खुली सड़कें मिल गए ना हाईवे पे, यार मज़ा ही आ जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम पहुंच गए शमशाबाद। एंड देखो गाइस, आप ऐसा लेफ्ट लेते हो तो शमशाबाद के तरफ जाते हो, ऐसा सीधा जाते हो तो बेंगलुरु के तरफ जाते हो। तो गाइस ये जो आप ये ब्रिज देख रहे हो ना, ये अभी अभी रिसेंटली बना हुआ है, वरना यार हमको ऐसे नीचे से जाना पड़ेगा शमशाबाद के सिटी के अंदर से होते हुए। तो यार अगर आप ऐसे नीचे से जाते हो ना, तो इतनी ट्रैफिक रहेगी, इतनी ट्रैफिक रहेगी यार, एक आधी घंटा तक ना, मिनिमम आधी घंटे तक आप फंस जाओगे अंदर। यार अच्छा हुआ यार ये ब्रिज बनाकर। यार ब्रिज उतरते हो ना आप, ये फ्लाईओवर उतरते हो और लेफ्ट लेते हो इस तरफ, देखो गाइस वहाँ पे एयरपोर्ट है। तो यार जो भी लोग फ्लाइट पकड़ते हैं और वापस कभी आते हैं, सिटी में जाते हैं और सिटी से बाहर भी जाते हैं, तो ये एक ही रास्ता है सिटी के बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ। तो ऐसे नीचे से जाते हो ना, पहले ब्रिज नहीं था तो आप ऐसे शमशाबाद के नीचे से ऐसे जाते हो ना, तो यार बहुत टाइम लगता था, बहुत बहुत टाइम लगता था। कभी कभी ट्रैफिक में भी आधे घंटे से ज़्यादा ही फंस जाते थे लोग। तो गाइस ये सब कंसिडर कर ये फ्लाईओवर बनाया है गवर्नमेंट ने। देखो गाइस ऐसा ऊपर जाते हो ना तो एयरपोर्ट की तरफ जाते हो आप, ये फ्लाईओवर के ऊपर से जाते हो तो। अभी जैसे मैंने बोला था, सिटी के अंदर जो छोटा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अगर गाइस वो भी ख़त्म होगा ना तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन यार 2 साल से ना सड़ रहा काम, धीरे 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 काम चल रहा, धीरे धीरे काम चल रहा, लेकिन भाई इतना धीरे कैसे चल सकता है यार 2 साल से। भाई ठीक है, इलेक्शंस का माहौल आने वाला है, तब तक तो ख़त्म ही कर देंगे ये लोग करना ही पड़ेगा वोट जो मांगने आएंगे घर घर, कुछ तो बोलना पड़ेगा तब। ठीक है भाई, पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा ज़्यादा। तो दोस्तों हम शमशाबाद पहुंच गए, और यार चलो रास्तों को एंजॉय करो आप लोग। ओके गाइस, यहाँ से लेफ्ट लेंगे और ये घुसे हम अपनी गली में। ये देखो यार, ये हमारी गलियाँ,
ये गलियां है, गलियां, ये हमारी गलियां और ये हमारी गली के पुट्टे। तो गाइस मैं थक कर घर पहुंचता हूं और खाकर सो जाता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम 7 बज रहे हैं यार, 10 बजे हमारी एग्जाम है, तो अभी जाना है, जाके बीच रास्ते में जाते जाते खाना है, खा के वहां से एग्जाम हॉल जाना है। तो एग्जाम का टाइमिंग है 10 बजे और हमको वहां 9 बजे तक रहना है। तो ये मेरा बैग, ये वाटर बॉटल और ये टिफिन है जो मम्मी रख के दिए। तो दोपहर का टिफिन बॉक्स है वो, मम्मी चपाती रख के दिए, दोपहर में वहाँ खाएंगे, क्योंकि आज ना दो पेपर है, दो एग्ज़ाम्स है, मतलब सुबह एक एग्ज़ाम है और दोपहर में एक एग्ज़ाम है। तो ये दोपहर का खाना है और अभी का खाना जाते जाते बीच रास्ते में होते हुए खा के जाएंगे। तो कैसे अभी 7 बज रहे हैं और 8:30 को वहाँ गेट खुलने वाली है, 8:30 से अंदर अलाउ करते हमको एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो यार चलो चलते हैं फिर हम। मम्मी सब कुछ रेडी रख लिया हमें। अच्छा लिख किया? अच्छा लिख के आऊँ? मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या लिखे हूँ? क्या है कि नहीं बोल सकते, एक बार मालूम रहे, ऐसा क्वेश्चन ही रहता। हाँ पर ये तो नौकरी आती, अयो आती बोल कैसे लिखना फिर? मैं कुछ पढ़ा ही नहीं ना मम्मी। अच्छा काम कर, क्वेश्चन पेपर अच्छा पढ़, अच्छा पढ़ के अच्छा लिखो, ऑप्शंस रहते। भगवान पे भरोसा रख के अच्छा लिख के आ। भगवान पे भरोसा रख के लिखूं? अच्छा, हे राम, हे भगवान, एग्जाम में मैं कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी मम्मी बोले आप पे भरोसा रखो, आप पे भरोसा रख रहा, अब आपकी मर्जी। जय श्री राम, जय गणेश। सॉरी दोस्तों, चलो यार चलते, एवरीथिंग इज सेट, रेडी हो गया हूँ मैं, और जाते जाते बीच में ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। यहाँ से 20 किलोमीटर जाना है यार, वो सेंटर कहाँ है मैं अब तक नहीं देखा, तो चलो भाई चलते हैं। तो गाइज एग्जाम सेंटर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं कैमरा नहीं ले गया। देखो दोस्तों, ये मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, ये मेरा हॉल टिकट और मेरा है रूम नंबर 2। तो गाइज गाड़ियाँ रखते हैं और चलो भाई चलते हैं। तो गाइज ये जो आप पीछे ये कॉलेज देख रहे हो ना, ये दूसरा कॉलेज है, ये भी एक सेंटर है यार। तो जहाँ मेरा सेंटर था ना, वहाँ पार्किंग के लिए अलाउड नहीं था, पार्किंग कहीं दूर पार्क करो बोल रहे थे, ऐसी अनजान जगह पे। तो यार मैं मेरी गाड़ी के साथ रिस्क नहीं ले सकता, तो इसीलिए। तो गाइस बगल में ही आधे किलोमीटर की दूरी पे यहाँ एक कॉलेज है, ये भी एक सेंटर है, तो यहाँ पार्क कर दी हमने गाड़ी। तो अब यहाँ से आधे किलोमीटर वापस पीछे पैदल चलते हैं यार, आधे किलोमीटर जाएंगे और फिर वहाँ मेरा सेंटर है, वहाँ एग्ज़ाम लिखना है मुझे। तो दोपहर में वहीं बैठ के खाएंगे और शाम में वहाँ से यहाँ पैदल आकर गाड़ी लेकर फिर वापस जाएंगे। ओ शिट यार दोस्तों, मैं हॉल टिकट भूल गया यार, मेरी गाड़ी के पाउच में था ऊपर टैंक बैग में। तो दोस्तों यार वहाँ तक चले गया, आधी दूर तक चले गया था मैं, फिर वापस आधे रास्ते से आ रहा हूँ मैं वहाँ हॉल टिकट लेने। देखो गैस कितने सारे लोग हैं, हॉल टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं वापस यार। तो गैस देखो ये मेरा हॉल टिकट, ये मैं गाड़ी के पाउच में भूल गया था, इसको लेके यार फिर से जा रहा हूँ मैं, आधे रास्ते तक पहुँच गया था मैं, बाद में याद आया कि हॉल टिकट मैं मेरे गाड़ी में भूल गया। अरे यार ये क्या परीक्षा ले रहे हो भगवान मेरी। एग्जाम का फर्स्ट पेपर देने के बाद गाइस ये देखो यार, एग्जाम खत्म और देखो सब लोग जा रहे हैं, एक पेपर हो गई और दूसरी 2:30 बजे शुरू होने वाली है। तो गाइस एग्जाम खत्म, पहला पेपर हो गया और यार मैं सोचा कि 2:30 बजे दूसरा एग्जाम शुरू होने वाला है, तो मैं सोचा कि वहाँ बैठ कर थोड़ा लंच कर लूँ, लेकिन वहाँ एग्जाम प्रेमिसेस में वो स्कूल के सराउंडिंग्स में भी हमको नहीं रहने दे रहे यार, क्योंकि एग्जाम है ना आज, तो इसीलिए फिर मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मैं मेरा बाइक पार्क कर रहा था, और दूसरा एग्ज़ाम सेंटर जा रहा हूँ मैं अभी। तो गाइस वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर वहाँ कहीं झाड़ के नीचे बैठकर लंच करेंगे और फिर गाड़ी लेकर वापस आएंगे। ये देखो गाइस ये दूसरा एग्ज़ाम सेंटर है, पास ही में 1 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ सब लोग अच्छा झाड़ के नीचे बैठ के खा रहे यार, यहीं गाड़ी पार्क कर रहा था मैं, तो यहीं कहीं बैठ के खाते और चलते हैं गाड़ी लेकर वापस। तो गाइस मैं भी सबके साथ एक झाड़ के नीचे छांव में बैठ जाता हूं और माँ का दिया हुआ खाना खा लेता हूं। ये देखो गाइस ये गाड़ी मेरी यहां पार्किंग कर दिया, वरना शाम में एग्जाम होने के बाद ना यार उस तरफ 1 किलोमीटर दूर जाकर पैदल जाकर गाड़ी लेके आना पड़ेगा। तो यार अब एग्जाम टाइम हो रहा, तो चलो चलते हैं। ये देखो सब लोग अंदर जा रहे हैं हॉल में एग्जाम लिखने, चलो गाइस अपन भी चलते हैं। तो गाइस ये देखो ये रूम दिया यार हमको सब कुछ लगेज रखने के लिए, क्योंकि अलो नहीं करते ना, फ़ोन और लगेज कुछ भी अलो नहीं है एग्ज़ाम हॉल में। तो एक क्लासरूम दिए हमको, तो सब सामान यहाँ रखना और जाना एग्ज़ाम लिखना। तो यार चलो चलते हैं और दूसरा पेपर लिखते हैं, एग्ज़ाम के बाद मिलूँगा मैं आपको। ये देखो गाइस एग्ज़ाम ख़त्म,
और सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। चलो यार अपन भी चलते हैं, घर में मिलते हैं। सो हे गाइस, मैं घर आ गया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ अभी। तो यार फर्स्ट पेपर ओके ठीक ठाक लिखा हूँ, और सेकंड पेपर ना यार क्या बोलूँ कैसे लिखा हूँ मैं। 3 साल पहले जो मैं एग्ज़ाम लिखा था उसमें से 2-3 या क्वेश्चन सिमिलर लगे थे, तो वो तो सॉल्व कर दिया, लेकिन बाकी तो भाई ऐसी ABCD लगा दिया सब कुछ। तो गाइस आप जानते हो कितने लोग एग्ज़ाम लिखे यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में? करीब करीब 8 लाख लोग एग्ज़ाम लिखे। यार नौकरी करो, थोड़ा बहुत टाइम मिला तो भागते हुए घर जाओ, रोटी खाओ एक टाइम का, और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, बीवी के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, और वहाँ ससुराल में मेरा फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और बीच में कभी वक्त मिले तो दोस्तों से मिलो, और भी कुछ वक्त मिले तो अपना काम देखो, बाहर का काम, या फिर भागो, यूनिफॉर्म पहनो और फिर ड्यूटी पे जाओ। यार इन चक्कर में पढ़ के ना, मैं पढ़ने के लिए टाइम ही कहाँ है। तो यार अब जितना हो सका उतना करा मैं, अब देखते हैं भाई क्या होता, फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो जानता हूँ मैं तो कुछ पढ़ा नहीं, नौकरी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी जितना ट्राई करना उतना तो ट्राई कर लिया मैं। गाइस अभी टाइम 7 बज रहे हैं, तो मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम लिखे हैं, तो जाते हैं और मेरे दोस्तों से भी मिलते हैं, और जाके दुख सुख बांटते हैं दोस्तों से। तो दोस्तों कल जाके रिपोर्ट करने हैं, और 5 बजे यहाँ से गाड़ी लेकर हम निकलने वाले हैं। तो यार चलो पहले जाके मैं दोस्तों से मिल के आता हूँ, और रात में खा के यार जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि कल सुबह 5 बजे उठ के जाओ, गाड़ी लेके भागो, जाकर फिर रिपोर्ट करो, यूनिफॉर्म पहन के फिर ड्यूटी पे जाओ। तो यार कल सुबह में मिलूँगा मैं आपको सीधा गाड़ी पे, चलो चलते हैं। तो गाइस दोस्तों ये देखो यार, सब कुछ सामान पड़ा हुआ है, और इसमें थोड़े बहुत कपड़े हैं मेरे काना के। चलो यार रात के 10 बज रहे, सुबह 5 बजे निकलना है यहाँ से। ये देखो दोस्तों सब कुछ सामान सेट हो गया है, और अपनी गाड़ी का चेन क्लीनिंग भी हो गया है। तो हे व्हाट्सअप गाइस, हे वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी टाइम 5:30 बज रहे हैं, और मम्मी सो रहे यार, तो मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करते, सीधा चलते हैं अभी। गाइस हमको कल शाम में आर्डर आया है कि आज सुबह 8 बजे तक हमको जाकर वहाँ रिपोर्ट करना, वरना डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे हमारे खिलाफ। यार देखो अभी टाइम 5:30 बज रहे, तो यार 2-2.5 घंटे तो लगेंगे, तो 7:30 तक पहुँचेंगे अपन, तो 8 बजे वहाँ रिपोर्ट करना है। तो यार चलो चलते हैं, रोड पे मिलते हैं। सो ऑलरेडी दोस्तों 2-2.5 घंटे तो लगेंगे 100 किलोमीटर जाने के लिए हमको। टाइम बज रहा है अभी 5:33, तो चलो यार चलते हैं। जय श्री राम। मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करते यार, मम्मी सो रहे। वाह यार ये ताज़ी ताज़ी हवा, ये सुबह सुबह मज़ा आ गया बाहर आकर। तो गाइस ये आ गए हम मेन रोड पे, और गाइस यहाँ से सीधा जरचल्ला जाना है 15 किलोमीटर, वहाँ से लेफ्ट लेना है, और वहाँ से सीधा हाईवे पकड़ना है, और सीधा सीधा हैदराबाद। तो यार क्या ताज़ी ताज़ी हवा है भाई, सुबह सुबह गाइस सुबह सुबह राइड करने का यही आनंद है। वाओ मैन, सुबह सुबह राइड करते ना यार मूड पूरा ऐसा लिट अप हो जाता है मूड मेरा। तो एक्चुअली हमको छुट्टी दिए थे ना, तो सुबह 10 बजे तक हमको रिपोर्ट करना था, लेकिन यार ये लोग पहले ही बुला ले रहे हम लोगों को, सबको, जितने भी लोग गए एग्ज़ाम लिखने उतने लोग सबको बोले कि सुबह 8 बजे तक आकर रिपोर्ट करना, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे हम तुम्हारे खिलाफ। यार ये पुलिस की नौकरी ना यार ऐसी है, क्या कर सकते हैं अब। ठीक है यार वो लोग कभी भी बुलाने दो, क्या कर सकते हैं अब, जाना ही पड़ेगा। अगर कुछ ज़्यादा बोले तो बोलते हैं कि फॉलो द ऑर्डर्स, ख़त्म, सत्यानाश। देखो यार मेरा महबूब नगर, मना महबूब नगर यानी कि मेरा गांव, छोटा है क्यूट है, अच्छा है यार मेरा गांव, हैदराबाद से मुझे अच्छा मेरा गांव ही लगता है। हाँ जानता हूँ हर किसी को अपना गांव अच्छा लगता है, लेकिन यार फिर भी मुझे शहर से ज़्यादा छोटे छोटे गाँव में रहना ही बहुत पसंद है। दोस्तों हमको जब भिजाना था तो 10-11 बजे भिजाते बोले, लेकिन 3 बजे भिजाए हमको। अब हमको रिपोर्ट करना था सुबह 10 बजे तक, लेकिन कल हमको मैसेज करे कि यार 8 बजे तक आप लोग आ जाना। वाह, जब हम चाहे तब नहीं आ सकते, जब हम चाहे तब जाने भी नहीं सकते, आने का भी हमारे हाथ में नहीं है और जाने का भी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ उन्हीं की मर्जी। यार हमारा तो कुछ है ही नहीं।
गाइस आप रोड पे गाड़ी चलाने के लिए इससे बेहतर क्लाइमेट आपको मिलेगा कहाँ। वाव यार मज़ा आ रहा है मुझे गाड़ी चला कर। तो यार और 15 मिनट में हम हाईवे तक पहुंचने वाले हैं, तो वहां से लेफ्ट लेंगे और सीधे हैदराबाद, वहां से 85 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से सीधा हैदराबाद 85 किलोमीटर। तो यार चलो चलते हैं। तो गाइस ये देखो, ये दो मेरे दोस्त हैं यार, जो दोस्त हैं मेरे साथ ही काम करते हैं ये लोग। तो ये लोग भी जाकर रिपोर्ट करने वाले हैं। तो दोनों दोस्त ये लोग दोनों गाड़ी पे जा रहे हैं। तो यार देखो तो यार मिलके जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक आते हैं ये लोग। चलो गाइस चलते हैं इनके साथ। तो यार ये है हमारा टोल गेट, आधी दूर तो यार पहुँच ही गए हम। मैं सोचा था कहीं रुक जाऊँ चाय पीने, ऐसे देखेंगे मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, अगर वो लोग भी बोले तो रुकेंगे वरना सीधे चलेंगे। यार दोस्तों मेरे दोस्तों को बाइक कह दिया यार मैं, तो वो लोग बोल रहे कि उनको कुछ अलग ऑर्डर्स है, वो लोगों को कहीं और भेज रहे हैं, तो उनको वहाँ जाकर रिपोर्ट करना है। तो यार मुझे तो जाके रिपोर्ट करना है पहले, उनको तो ये सब झंझट नहीं है इनसे, तो उनकी ड्यूटी अलग है मेरी ड्यूटी अलग है, तो उनको कहीं और भेज दिए। तो यार हमको तो वहीं जाना है। तो गाइस चलो चलते हैं भाई। ऑलराइट गाइस ये देखो यार हैदराबाद पहुंच गए, और यहाँ से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा हमको जाने के लिए। गाइस एक बार देखते हैं माइलेज कितना दी अपनी गाड़ी यार। गाइस ये देखो दिख रहा है आपको 46.3 का माइलेज दिया है अपनी गाड़ी ने। ओके 46.3 एवरेज माइलेज, ओके यार ठीक है, अच्छा है 350cc गाड़ी के लिए यार। भाई अपनी हाईनेस ना यार क्या माइलेज दे रही है। दोस्तों आप जानते हो अपनी हाईनेस पूरे कूर के ट्रिप पे ना 45 का एवरेज माइलेज दिया है, तो अभी इसने दिया है 47। तो ऑलराइट गाइस चलो चलते हैं। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपको आगे। तो गाइस ये देखो यार मेरा कैमरा और मेरे काना के थोड़े कपड़े यहाँ रख दिया, यहाँ मेरे घर में दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं वहाँ नहीं लेके जाता ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो यार चलो चलते हैं। मनुमा गुड मॉर्निंग। चलो चलता मैं फिर अब, हाँ बाय बाय। तो दोस्तों अभी टाइम 7:30 बज रहे हैं और जाकर रिपोर्ट कर दिया हूँ यार, तो मेरी कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो जिस पोस्ट पे मैं कर रहा था ना उसके बगल के पोस्ट में ही है मेरी अभी, क्योंकि मैं जल्दी आया हूँ और जल्दी रिपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए। तो चलो यार वही शेविंग करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और फिर रूल कॉल अटेंड होते हैं। तो गाइस मेरी ड्यूटी आज 11 बजे से शुरू होने वाली है, तो चलते हैं शेविंग करते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं और रूल कॉल अटेंड होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर चलते हैं। तो गाइस आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया हो तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक जय हिंद।